हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सूरज पटेल एजुकेशन में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज आज के वीडियो में मुंबई यूनिवर्सिटी के जितने भी ATKT के स्टूडेंट हैं, इनके एडमिशन डेट को एक्सटेंड कर दिया है। यस दोस्तों, जैसे कि इस वक्त आप मेरे इस स्क्रीन पे देख रहे हो, मैं सिर्फ FY या SY के स्टूडेंट का नहीं बताने वाला हूँ, मैं TY, MCOM, MSc, IT सभी स्टूडेंट का बताने वाला हूँ कि ATKT के जो स्टूडेंट हैं उनका डेट कितना एक्सटेंड हो चुका है। ठीक है, और ये लास्ट राउंड ऑफ एडमिशन फॉर्म का है, लास्ट राउंड चल रहा है। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट हैं, रिपीटर इधर आप देख सकते हैं, रिपीटर एंड ओल्ड स्टूडेंट, इन सभी स्टूडेंट को लास्ट टाइम और एक मौका मिल रहा है। शायद मैं भी ये भी हो सकता है कि इसके बाद फाइनल राउंड भी निकल जाए। तो चलिए दोस्तों, हम पूरा इन्फॉर्मेशन देखते हैं, वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, और चैनल का सब्सक्राइब करके बाजू के बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, अगर आप FY BA या SY BA के स्टूडेंट हो, या आप FY BCOM और SY BCOM के स्टूडेंट हो, ये एनुअल पैटर्न के जो स्टूडेंट है उनके लिए है। इनके डेट को एक्सटेंड कर दिया है 30 अक्टूबर से लेके 1 नवंबर 2020-21 तक का, विथ लेट फीस भी दोस्तों आप लोगों को पे करना पड़ जाएगा। इधर अगर आपको एक सब्जेक्ट में खेटी है तो दोस्तों आपको 340 देना पड़ेगा, दो सब्जेक्ट में खेटी है तो दोस्तों आपको 515 देना पड़ेगा, और अगर तीन या तीन से ज़्यादा सब्जेक्ट में केटी है तो 950 देना पड़ेगा। ये 950 में या 515 में या 340 में 100 रुपीज़ एड कर दिया गया है। ठीक है, आपके लेट फीस के साथ। ये दोस्तों FY और SY BCOM के स्टूडेंट का था। अब हम देखते हैं दोस्तों कि MCOM पार्ट 1 और MCOM पार्ट 2 के स्टूडेंट के लिए। दोस्तों, जैसे कि MCOM पार्ट 1 का जो जुलाई सेशन के स्टूडेंट है, ठीक है, एनुअल पैटर्न एग्जामिनेशन फॉर्म है, तो उनके भी डेट को एक्सटेंड कर दिया है 30 अक्टूबर से लेके 1 नवंबर तक, विथ लेट फीस के साथ। दोस्तों, इनका जो फीस स्ट्रक्चर है, एक सब्जेक्ट में फेल हो तो 550 है, दो सब्जेक्ट में है तो 810 है, तीन सब्जेक्ट या तीन से ज़्यादा सब्जेक्ट में अगर आप फेल हो तो 1375 है। ठीक है दोस्तों, लेट फीस को ऐड करते हुए ये टोटल आपका अगर तीन है, तीन से सब्जेक्ट से ज़्यादा आप में फेल हो। जो MCOM पार्ट 2 के स्टूडेंट हैं उनको दोस्तों इनका भी टाइम एकदम सेम है, डेट जो एडमिशन फॉर्म है जो MCOM पार्ट 1 का है, 30 अक्टूबर से लेके 1 नवंबर तक का, इनका भी एडमिशन फीस जो है ATKT का जो फीस है, जो ऊपर था सेम चीज़ है, बस टोटल फीस में एक चार्जेस ऐड कर दिया गया है, 250 कन्वोकेशन चार्जेस। दोस्तों, लास्ट में जो आपको कन्वोकेशन मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है, उसका चार्जेस 250 ऐड कर दिया, बाकी जो सेम ऊपर था सेम सिमिलरली नीचे है MCOM पार्ट 2 में। अब बात करते हैं TY BA के स्टूडेंट को लेके। दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन बार बार बता चुका गया है, इसके लिए हम मेरा अगर पहले के वीडियो देखोगे तो मैंने उसमें बताया, इसलिए इस बार इससे नहीं बता रहा, मतलब जो भी पूरा है अगर ऐसा आप कमेंट कीजिए तो मैं आपको डिटेल भी बता दूंगा। TY BA का भी सेम डेट है दोस्तों, 30 अक्टूबर से लेके 1 नवंबर तक का। फीस जो दोस्तों इनका है वो 950 है, विद कन्वोकेशन चार्जेस 250 ऐड करके आपका टोटल फीस हो जाता है 1200, जो इस वक्त आपको इधर ऊपर दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद जो है दोस्तों वो है MA पार्ट 1 एजुकेशन और MA पार्ट एजुकेशन का है, और इधर है पार्ट 1 का और MA एजुकेशन पार्ट 2 के स्टूडेंट का है। डेट दोनों का सिमिलर है, 30 अक्टूबर से लेके 1 नवंबर। ठीक है दोस्तों, फीस स्ट्रक्चर भी एकदम सेम होगा, एक सब्जेक्ट का 550, दो सब्जेक्ट का 810, तीन सब्जेक्ट का 1375। सिर्फ जो पार्ट 2 के स्टूडेंट होंगे उनको 250, जो टोटल होगा उसमें सिर्फ 250 कन्वोकेशन चार्जेस ऐड किया जाएगा, जैसा कि MCOM पार्ट 1 पार्ट 2 में था। तो जो इसके बाद है वो है TY BCOM के स्टूडेंट के लिए, इनका भी डेट सेम है जो सभी का था, 30 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर। एडमिशन फीस जो है ATKT का, जो फीस पे करना है, एक सब्जेक्ट का 340 है, दो सब्जेक्ट का 515 है, तीन सब्जेक्ट का 950 है, टोटल कन्वोकेशन चार्जेस ऐड करके 1200 होता है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट है वो है MSc IT का स्टूडेंट का है, पार्ट 1 पार्ट 2, इनका भी डेट एग्जैक्ट सिमिलर है, पेमेंट फीस स्ट्रक्चर भी MCOM पार्ट 1 और MA पार्ट 2 के जैसा ही है, सेम स्ट्रक्चर है, सिर्फ लास्ट जो फाइनल राउंड होगा, जो मतलब टोटल फीस होगा अगर तीन से ज़्यादा सब्जेक्ट में, तो उसमें 250 कन्वोकेशन चार्जेस ऐड कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, बाकी तो सब वही है,
और दोस्तों काफ़ी स्टूडेंट मुझे कमेंट करके पूछ रहे थे सर एमसीक्यूज कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो दोस्तों मैं दो वेबसाइट बता दे रहा हूँ आपको इस वक्त, ठीक है, आप देख लीजिए, आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो इस वेबसाइट को। पहला वेबसाइट है सूरज पटेल एजुकेशन डॉट कॉम। आपको इस वेबसाइट पे काफ़ी एमसीक्यूज मिल जाएगा। आप देखिए एजुकेशन पे क्लिक करोगे तो एमकॉम पार्ट वन पार्ट टू, बीकॉम के स्टूडेंट, एफवाई एसवाई, बीएमएस के स्टूडेंट के लिए, बैफ के लिए, फिर जूनियर सेक्शन के जो एफवाई जेसी एसवाई जेसी के लिए, आर्ट्स और साइंस के लिए अभी तक कुछ डाला नहीं गया इस वेबसाइट पे। बाकी सभी जो मुंबई यूनिवर्सिटी आइडल के स्टूडेंट हैं उनके लिए डाल दिया है, कुछ नेट के स्टूडेंट के लिए भी डाला है, रेलवे बैंकिंग मुंबई यूनिवर्सिटी के रिलेटेड अपडेट चाहिए तो आप इधर भी क्लिक करके अपडेट देख सकते हैं, न्यूज़ एंड अपडेट में भी मिल जाएगा। तो इसमें काफ़ी कुछ दोस्तों आपको एमसीक्यूज मिल जाएगा सूरज पटेल एजुकेशन में दोस्तों, ठीक है। देन इसके अलावा अगर आपको और भी कोई वेबसाइट यूज़ करना है तो दोस्तों और एक वेबसाइट है जिस वेबसाइट का नाम है मुंबई यूनिवर्सिटी आइडियल, ये देख लीजिए मुंबई यूनिवर्सिटी आइडियल डॉट कॉम। आप इस पर भी जाओगे तो आपको दोस्तों इधर भी देखिए पार्ट टू पार्ट वन टी वाई एस वाई एफ वाई बी कॉम जो आइडियल के स्टूडेंट है खासकर उनके लिए इधर आपको सभी के एमसीक्यूज मिल जाएंगे। आप इधर से भी जाके प्रेफर कर सकते हो और आपको ये दोनों वेबसाइट काफ़ी हेल्प करेगा आपके एग्जाम में। तो आई होप दोस्तों कि वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जय हिंद जय भारत दोस्तों।